हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका होस्ट राम कुमार राठी और राठी प्राकृतिक प्रेमी चैनल में आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। और इस मॉर्निंग में सुबह सुबह मैं आपको दिखाऊं, बहुत ही सुंदर धूप, करारी धूप, चमकीली धूप निकली है आज। और सुबह उठते के साथ ही हमें यहाँ नेचर में, प्रकृति के बीच में हमें ये धूप के दीदार होते हैं। और इस धूप में, ज़्यादा धूप होने के बावजूद भी यहाँ काफ़ी ठंड है, और इस ठंड के में, लेकिन इतनी भी ठंड महसूस नहीं होती है कि आप डरने लगे कि ज़्यादा ठंड है, ऐसा कुछ नहीं है। जब धूप निकल जाती है तो यहाँ ठंड चली जाती है, और जब धूप जाती है तो ठंड इतनी आ जाती है कि आपको रजाई की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, कल मैंने न्यूज़ सुना और न्यूज़ के अंदर मुझे सुनने में लगा कि कोरोना की महामारी दोबारा से आ रही है, और ये बीमारी कोई नया वेरिएंट बता रहा है टेलीविज़न के अंदर। कोई बात नहीं, इससे भी लड़ेंगे, और इससे पहले दूसरी लहर आई थी उससे भी लड़े हम, और उसमें भी हमने विजय हासिल करी। तो लेकिन इंसान की फितरत क्या होती है, पिछली बार क्या हुआ था, पिछली बार हुआ था हॉस्पिटलों के अंदर कुछ लोगों ने, देखो इंसान स्वार्थी तो है लेकिन इतना स्वार्थी भी नहीं होना चाहिए कि जो उसकी ज़रूरत की सामान नहीं है उसको भी इकट्ठा करने लग जाते हैं। जैसे कि कोरोना काल में पता लगा था लोगों ने अपने घरों में सिलेंडर स्टोर कर लिए, ऑक्सीजन सिलेंडर, जो उनके किसी काम के नहीं थे। और अगर ये लोग ऐसा नहीं करते तो शायद और लोगों की जानें भी बचाई जा सकती थी, क्योंकि जिनको ज़रूरत नहीं उन्होंने भी स्टोर कर लिया। अरे भाई, तुम मजबूत हो, तुम्हारा इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत है, तुम्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, आप बीमार नहीं हो, थोड़ी केयर करने की ज़रूरत है, मास्क लगा कर रहिए, और बाकी तो आप खुद समझदार हो। लेकिन मानव का, इंसान का एक नेचर ऐसा है स्टोर करने का, और कई बार हम उस स्टोर करने में, उन मानव में, उन इंसानों में, मैं भी एक इंसान हूँ, लेकिन हमें इंसानियत को भी नहीं भूलना चाहिए, और हमें ऐसा काम ना करना पड़े, ना करना चाहिए कि किसी इंसानियत के लिए, किसी भाई के लिए खतरे की घंटी बने। क्योंकि मैंने देखा चैनल में भी देखा, टीवियों के अंदर भी देखा, टीवी में भी देखा कि लोगों ने सिलेंडर स्टोर कर लिए। ये ही बहुत ही शर्मनाक हरकत थी। मेरा इस वीडियो के माध्यम से उन भाइयों को संदेश है, ऐसा ना करें, ऐसा डर ना फैलाएं, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है, ये एक नॉर्मल बीमारी होती है, बस इसकी थोड़ी केयर करने की ज़रूरत होती है। आप सावधान रहें, थोड़ी दूरी बना के रखें, मास्क लगा के रखें, और कुछ नहीं है। और अपने इम्यूनिटी सिस्टम को, अपनी ताकत को इतना मजबूत करें कि आपके पास बीमारी ना आए। हाथ धो के खाना खाएं, और बाहर से आए घर से तो भी हाथ धो। तो फ्रेंड्स, आदमी की फितरत है जोड़ने की, उनमें से मैं भी एक हूँ, लेकिन जोड़ वो चीज़ जो आपको आगे आने वाले समय में काम आ सके। और आप कहेंगे ऐसी क्या चीज़ जोड़े जो हमारे काम आए, तो मेरे से सीखें। मैं उन भाइयों को एक संदेश देना चाहता हूँ, आप ऑक्सीजन सिलेंडर मत स्टोर करो, आप स्टोर करो आपको आपातकालीन में किस चीज़ की ज़रूरत होती है, सब्जियों की। आपको बाहर ना जाना पड़े, अपने घर में, अपने छत में, अपने गार्डन में आप सब्जियां लगाओ, क्योंकि सब्जियां तो दैनिक आहार है, हमें रोज़ चाहिएगी। तो ऐसी ऐसी चीज़ें स्टोर करो, समझदारी इसी में होती है। आप गार्डन में सब्जियां लगाओ। और दोस्तों देखो, जो आज आप बोओगे ना, उसकी फसल कल काटोगे, तो बेस्ट यही है, अच्छी चीज़ बो, ताकि आप अच्छी फसल काट सको। और अच्छी चीज़ें कैसे बोनी है, मानवता की सेवा करनी है, और कम से कम मानवता की सेवा ना कर सको तो अपनी सेवा तो कर सकते हो ना। और आप अपनी सेवा कैसे करोगे, आप इस तरीके से करोगे जैसे मैंने करी हुई है। कम से कम मैंने अपनी सेवा तो करी है कि मैंने अपने घर में, अपने खेत में, अपने आने वाले समय के लिए काफ़ी सब्जियां उगाई हैं, ताकि भगवान ना करे कोई ऐसी बीमारी या कोई आपदा आए तो मुझे बाहर ना जाना पड़े, दुकान पे ना जाना पड़े।
तो मैंने काफ़ी सब्जियां लगाई है और कुछ सब्जियों के बीज तो मैंने पहले ही लगा दिए थे और जो आज तैयार है, और कुछ सब्जियों के बीज मैं आज लगा रहा हूँ। तो क्योंकि आज हम जिस चीज़ की तैयारी करेंगे वो उसका हमें फ़ायदा कल होने वाला है। बाकी तो इंसान की फितरत है, जोड़ जोड़ के मर जाना है, उसके किसी काम नहीं आना है। देखो एक कहावत भी है, जब बच्चा पैदा होता है ना, बच्चा पैदा होता है, उसका जन्म होता है, वो अपने जन्म की मिठाई नहीं खाता है, क्योंकि वो छोटा होता है, वो मिठाई खा ही नहीं सकता है। और जब इंसान इस संसार से जाता है ना, तो अपने श्राद्ध की बनाई गई खीर भी नहीं खाता है। तो आदमी का आना और जाना किसी के बस की बात नहीं है, ये तो संसार का जीवन चक्र है। और दोस्तों, हमें जीवन और मरने के बीच का जो अंतर है उसको अच्छे से यूज करना चाहिए, उसका सदुपयोग करना चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए, मानव सेवा करनी चाहिए। मानव सेवा ना कर सको तो कम से कम अपने घर की, अपने परिवार की सेवा हेतु अपना काम करना चाहिए, और कोई ऐसा काम ना करे जिससे समाज, दुनिया वाले उंगली उठाए और भगवान भी बुरा मानता है। तो फ्रेंड्स, फिर आगे चलते हैं। हालांकि काफ़ी पक्षी होते हैं, जीव जंतु होते हैं, जानवर होते हैं, वो भी स्टोरेज नहीं करते हैं। उन्होंने आज खाया, कल की ऊपर वाले पे छोड़ते हैं, क्योंकि ऊपर वाला पेट भर के सुलाता है। भूखा उठाता जरूर है, लेकिन भूखा सुलाता नहीं है। तो दोस्तों, स्टोरेज करो, अच्छी चीज़ का करो, पानी का स्टोरेज करो। पहाड़ में मैंने भी स्टोरेज किया है, मैंने भी टैंक बनाया है और सुंदर सुंदर फूल लगाए हैं। प्रकृति को भी सुंदर बनाया है, घर को भी सुंदर बनाया है, और आने वाले समय के लिए मैंने काफ़ी सब्जियां भी लगाई हैं। तो आप भी अपने घर पर, अपने गार्डन में, अपनी छत पर आप सब्जियां लगा सकते हो, और ये आपके बुरे वक्त में काम भी आएगी। तो दोस्तों, मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें अगर मेरे विचार अच्छे लगे तो। मैं हूं आपका होस्ट रामकुमार राठी, और राठी प्राकृतिक प्रेमी चैनल पे आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। और कमेंट्स करें, लाइक करें। तो फ्रेंड्स, मैंने तो अपना काम किया, और मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप भी अपना काम करें, ईमानदारी से अपने जीवन को मजबूत करें। और मैं उन लोगों का इस वीडियो में एक बार चर्चा ज़रूर करना चाहूँगा। कुछ समाज में ऐसे नालायक आदमी हैं जिन्होंने सिलेंडर स्टोर किए, और कुछ नालायक तो ऐसे, उनको नालायक ही कहूँगा, कुछों ने तो केमिस्ट की दुकान से जो जीवन रक्षक दवाइयाँ थी उनका भी ब्लैकमेल किया। तो ब्लैकमेल किया, स्टोरेज किया, कोई बात नहीं, उनको ये नहीं पता, मरना तो उनको भी है। तो जो आदमी जितना बुरा काम करेगा उतना जल्दी संसार से जाता है दोस्तों, उतनी ज़्यादा तकलीफ होती है। तो आपको ऐसा काम ना करना चाहिए जो आपको जीवन को प्रभावित करे, आपकी आत्मा को कचोटे। क्योंकि जो आदमी बुरा काम करता है ना, उसकी आत्मा एक बार तो कहती है, यार तूने काम तो गलत किया है, लेकिन वो कर चुका होता है तो उसके लिए, उस परिणाम के लिए उसको तैयार रहना चाहिए। क्योंकि जो जिन लोगों ने हॉस्पिटलों में जो ऑक्सीजन की किल्लत हुई, हॉस्पिटलों के अंदर ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, सरकारों ने खूब काम किया है, लेकिन क्या हुआ, कुछ जमाखोर लोगों ने, उनकी ज़रूरत नहीं थी उसके बावजूद भी उन्होंने जमा करके रखे, उनके किसी काम नहीं आए। अगर वो चीज़ें जमाखोरी ना होती तो शायद काफ़ी लोगों की जान बचाई जा सकती थी। और सिलेंडर की कमी की वजह से कोरोना काल में हमारी माताजी का भी देहांत हुआ, और वो घड़ी बड़ी दुख भरी थी। पूरे देश में लॉकडाउन लगा था, मैं भी नैनीताल में फंसा हुआ था, घर से बाहर जा नहीं सकते थे, रोड बंद थे, बाहर पुलिस का पहरा था। क्या स्थिति रही होगी आप मेरे से अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिसकी माँ
का आखिरी टाइम चल रहा हो और उसका बेटा वहाँ ना पहुँच पाए तो मुझे सारा जीवन अफसोस रहेगा, लेकिन मेरी भी मजबूरी थी क्योंकि मैं घर से बाहर कदम नहीं रख सकता था। बाहर पुलिस का पहरा, बॉर्डर सील कर दिए गए थे, यातायात के साधन बंद कर दिए गए थे, मेरे पास कार थी, कार की वजह से कार में भी नहीं जा सकता था मैं क्योंकि रोड बंद थे, ब्लॉक थे, कार निकल नहीं सकती थी, ऐसी सिचुएशन देखी थी मैंने। तो मेरी माँ के जो अकारण से कोरोना काल में जो मौत हुई, कुछ हद तक वो भी जिम्मेवार हैं जिन लोगों ने सिलेंडर स्टोर किए, और ऐसा काम ना करें फिर कभी किसी की माँ, किसी का भाई इस संसार से ऐसी आपदा में अपने प्राण गंवाए। तो दोस्तों, मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें। मैं हूं आपका होस्ट राम कुमार राठी, और राठी प्राकृतिक प्रेमी में फिर कभी नई वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।